हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अभी सुबह मेरा जो दिन है वो मतलब ब्रेकफास्ट है वो हॉर्लिक्स से स्टार्ट होती है। तो ये सासू माँ लेके आई है कि मैं बहुत दुबला होती जा रही हूँ, तो इसलिए तुझे हॉर्लिक्स पीनी है। मैंने कहा कि ऐसे हॉर्लिक्स नहीं होगा, मतलब वुमेंस हॉर्लिक्स या फिर नहीं, ये हॉर्लिक्स तो पी, ठीक है। तो मैं इसीलिए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ही मैं ये हॉर्लिक्स बना रही हूँ। एंड उसके साथ और कुछ लेके मेरा ब्रेकफास्ट ऐसे ही कंप्लीट होता है। एंड आज बहुत दिनों बाद बहुत सारा काम है घर में, बहुत सारा काम है, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। तो मैं घर का कोई भी काम करती हूँ तो मैं बहुत ही इन्जॉय करके करती हूँ, आप देखोगे एक दो क्लिप बाद में। कभी कभार हस्बैंड और मैं दोनों बात करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे मतलब वो जो वॉइस ओरिजिनल वॉइस है वो म्यूट रखना पड़ता है। बट मैं बहुत ही इन्जॉय करके काम करती हूँ। कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है, बट ज़्यादातर टाइम मैं बहुत ही लाइट फील करती हूँ जब मैं काम करती हूँ। और देखिए तो आज बहुत सारा काम था, ये सब मैंने चेंज कर दिया क्योंकि अभी ब्लैंकेट लेने की बारी है, तो दोहार वगैरह सब कुछ मैं वॉश कर लूँगी, खुद से ही करूँगी, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करेंगे क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं आएंगे। एंड पूरा घर को झाड़ू दिया, पोछा लगाया, एंड और भी बहुत सारा काम था छोटा मोटा जो मैं कुछ दिन बाद में शेयर करूँगी। एंड जो दिवाली का भी चीज़ें था ना, जो डेकोरेशन वगैरह, वो भी मैंने साफ़ किया क्योंकि उसके बाद ही मैं चली गई थी दी के घर एंड मायके। और मायके में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक दिन मैं रही थी वहाँ पे, काम की वजह से गई थी, तो इसीलिए शूट नहीं किया। और इसके बाद खाना भी पकाना है और उसके बाद एडिट भी करना है, बहुत सारा काम हो गया था, बट आई एंजॉयड इट। Thank you.
गाइस सो बहुत देर बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। तो तीन चार दिन बाद आई हूँ घर में, तो बहुत सारा काम हो जाता है और काम ऐसे भी है क्योंकि हमारे हाउस हेल्पर 15 दिन तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके सासू माँ गुजर गए हैं, तो कुछ रिचुअल्स वगैरह रहता है 15 दिन तक, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आज ऊपर का साफ़ किया मैंने, मैं कल नीचे का साफ़ करूँगी। और तो ज्योत्सना दी सब कुछ कर रहा है अभी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ ज्योत्सना दी कर रहा है नीचे का, तो ऊपर का तो मैं ही कर लेती हूँ। एंड बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिया है। और एक्स्ट्रा कुछ काम था वो मैं बाद में बताऊँगी एक दिन आप लोगों को बहुत जल्दी एक वीडियो में। तो ये करते करते 1:30 बज गया है और अभी मेरा घर का जो काम है, घर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मतलब घर का काम कुछ ऐसा है ना, जितना भी करो अब ख़त्म ही नहीं होता है। पौधों में पानी देना बाकी है, फिर मुझे जो मैंने कपड़ा दिखाया वो सब कपड़ा मुझे भिगो के रखना है, कल मैं वॉश कर दूँगी। एक दिन पहले मैं भिगो देती हूँ एंड नेक्स्ट दिन मैं वॉश कर लेती हूँ, तो आसानी होता है। तो थोड़ा बहुत करके मैं करूँगी क्योंकि वो सब भारी भारी चीज़ है इसीलिए। और अभी जाऊंगी मैं नीचे खाना पकाने के लिए, तो खाना ज्योत्सना दी पकाती है और 1:30 बजे मैं जा रही हूँ क्योंकि सब उन लोगों का सब कुछ हो जाता है, फिर मैं जाती हूँ। मैं एक आइटम बनाती हूँ तो टाइम भी नहीं लगता, ज्योत्सना दी सब कुछ रेडी करके रखता है, मैं सिर्फ जल्दी से कुक करके आ जाऊँगी। उसके बाद भी आज बहुत सारा काम है, मुझे आज वीडियो पब्लिश करना है, 2 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं दे रही हूँ। एडिटिंग का काम है, वीडियो पब्लिशिंग का काम है, फिर मेरा बिजनेस का काम है, उसके बाद थोड़ा बाहर भी जाना है और थोड़ा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्किन केयर भी करूँ अपना क्योंकि शादी आ रही है, ज़्यादा दिन नहीं है। नवंबर में एक शादी है, दिसंबर में एक शादी है, अब इससे अगर प्रिपरेशन नहीं लूँगी तो स्किन भी ख़राब हो जाएगा। ऑल्दो आप लोग बोल रहे हो ग्लो कर रहा है, ये ग्लो स्क्रब के वजह से हो रहा है। मैं स्क्रब ज़्यादा नहीं करती थी, हफ्ते में एक बार, बट विंटर सीजन में मैं ज़्यादा करती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार मैं स्क्रब करती हूँ, तो इसीलिए शायद ये ग्लो देख रहे हो आप। और ये अभी तो ये पसीना पसीना हो रहा है कुछ ऐसा। तो अभी जाते हैं, सिर्फ फूल गोभी का एक सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, दैट्स इट। बाकी सब कुछ उसने दिन बना लिया है, शायद मम्मी ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया है, और मैं सिर्फ गोभी का सब्ज़ी बनाऊंगी। क्या पक रहा है यहाँ पे? गोभी, गोभी, आलू गोभी का सब्जी। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो इसमें सिर्फ गरम मसाला जाएगा एंड घी जाएगा, सो दैट्स इट, हो गया है। और अभी देखो कि 2:45 हो रहा है और आई गेस 3 बजे तक मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। सो हो गया है खाना पकाना, एक आइटम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट मैं ना कोई भी चीज़ हो ज़्यादा भूनती हूँ, मुझे भुना हुआ चीज़ ज़्यादा, पके हुए चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे सासू माँ जैसे कि बिल्कुल अपोजिट है, और खाने के मामले मैं और मेरे सासू माँ बिल्कुल अपोजिट है। जस्ट लाइक सासू माँ को हर चीज़ बड़ा बड़ा साइज़ में चाहिए, बड़े बर्तन में बिल्कुल नीचे रहेगा सब्ज़ी वैसा चाहिए, और मुझे चाहिए कि मीडियम साइज़ के बर्तन में फुल रहे सब्ज़ी, या फिर अगर गोभी हो, जैसे कि गोभी हो, सासू माँ गोभी का अगर सब्ज़ी बनाते हैं तो इतना बड़ा साइज़ का गोभी देते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे मैं छोटा छोटा दूँ तो ज़्यादा पका सकती हूँ एंड ज़्यादा अच्छे से उसमें टेस्ट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं और मेरे सासू माँ बिल्कुल अलग है खाने के मामले में, जैसे कि मुझे लोकल फ़िश ज़्यादा पसंद है फ़िश के मामले में, और मेरे सासू माँ को लोकल फ़िश बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ऐसा, ठीक है। बट
तो अभी है ना, अभी एक बैलेंस में आ गया है कि मैं भी अपना जैसा बनाती हूँ, सासुमा भी अपने जैसा बनाते हैं। वरना पहले तो मैं खाना नहीं पकाती थी तो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी खाने में, क्योंकि बिल्कुल मेरे घर से ना इस घर का जो खाना है, मतलब खाने का जो क्या बोलूँ मैं, तड़का वगैरह है, बिल्कुल अलग है। तो अभी है, अभी एडजस्ट में आ रहे हैं 2 साल के बाद में। और अभी 3 भी नहीं हुआ, मैं सोच रही थी कि 3 बज जाएगा, बट 3 नहीं हुआ है। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और हस्बैंड गए हैं नहाने और मैं जाऊंगी नहाने, फिर पूजा है, पूजा करके फटाक से खाएंगे, भूख लग गई है मुझे। तो मिलते हैं आफ्टर शार। आज लंच में बना है दाल आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और यहाँ पे अंडा मैंने हम दोनों के लिए ले लिया है और मुझे यहाँ का जो कड़ी है वो नहीं चाहिए, इससे मेरा काम हो जाएगा। और ये है चटनी, चटनी नहीं बोलता है इसको, बंगाली में टॉक बोलता है। चटनी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये लिक्विड जैसा ज़्यादा होता है। तो यही है आज हमारे लंच पे। तो मेरा फिनिश है, इनका अभी थोड़ा सा बाकी है। अच्छा बता, और अभी खट्टा, ये ऑलिव की चटनी है, टेस्टी। हे गाइस, बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी है नाइट टाइम, तो मैं नाइट ड्रेस में आ गई हूँ और अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर। तो पहले ही आज सुबह ही बोल रही थी मैं कि स्किन केयर, शादी का सीज़न आ रहा है और शादी है घर में, दो दोस्त शादी है तो फेस को तो चमकाना बनता है। हमेशा घर को साफ़ करती हूँ, ये वो साफ करती हूँ, बट आप लोग देखते हो मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, जो भी करती हूँ घर में ही करती हूँ। एंड मुझे विंटर सीजन में स्किन केयर ज़्यादा अच्छा लगता है एंड नाइट टाइम में स्किन केयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट टाइम में अगर स्किन केयर करके रखते हो तो फुल 8 to 10 आवर्स आपको मिलता है। जब आप घर में रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो, अगर बाहर भी निकलते हैं हम लोग सुबह 10 या फिर 9-10 बजे हम लोग यूजुअली निकलते हैं, जो ऑफिस गोइंग भी हो वो भी। तो इसीलिए मैं नाइट टाइम में स्किन केयर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो हर चीज़ ना एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो अभी मैं करूँगी फेशियल अपना, जी हाँ। तो आज फेशियल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ उपटन फेशियल किट विथ टर्मरिक एंड सेफ्रन फॉर ग्लोइंग स्किन। तो उपटन एक ऐसी चीज़ है, तो शादी के पहले तो उपटन एक ऐसा वर्ड है जो हर एक कोई रिलेट कर सकता है। और मुझे उपटन, ममा अर्थ की जो उपटन रेंज है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। मुझे उपटन की क्रीम, उपटन फेस वॉश, उपटन स्क्रब, उपटन बॉडी स्क्रब जो है, उपटन पैक, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और ममा अर्थ, आप सभी लोगों को पता है कि ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल्स। तो इसमें 6 स्टेप दिया हुआ है, आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है वो लिखा भी हुआ है, नंबरिंग भी किया हुआ है। तो यहाँ पे है क्लिंजिंग मिल्क, देन स्क्रब, देन सूदिंग जेल, देन उपटन मसाज क्रीम एंड उपटन फेस मास्क एंड उपटन ग्लो क्रीम। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लिंजिंग मिल्क। So every time you buy anything from Mama Earth, they will link your order on the website to a tree that they plant, and the exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. And Mama Earth has launched its official application too, so users get early access to sales and get extra discount. And by 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees. So unke goodness sirf unke product mein hi nahi, unke value mein bhi दिखता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ममा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड ममा अर्थ के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। और जब भी आप कोई भी ममा अर्थ के प्रोडक्ट ममा अर्थ के वेबसाइट से या फिर ममा अर्थ के एप्लीकेशन से परचेस करते हो, सो यूज़ माई कूपन कोड ट्वीट 2022 फॉर 20% ऑफ एट ममा अर्थ.in।
और अभी आते हैं फेशियल के बारी। तो क्लिंजर मिल के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, जैसे दिखा रहा था कि स्क्रब के बाद मैंने यहाँ पे एक सूदिंग जेल यूज़ किया, उसके बाद मसाज क्रीम जैसे मुझे पता है सब कुछ टेक्निक मैंने वो यूज़ कर दिया है, और उसके बाद वो वॉश करके मैं यहाँ पे फेस पैक लगा रही हूँ। तो फेस पैक को 15 मिनट रखने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो फेस पैक मैंने रिमूव कर लिया है, अभी लास्ट स्टेप की बारी है, उपटन ग्लो क्रीम। ये जो प्रोडक्ट मैं आज यूज कर रही हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक इट आउट। सो फेशियल कंप्लीट हो गया है और आप मेरा फेस देख के समझ ही पा रहे हो कि बिल्कुल क्लीन एक लुक दे रहा है और मैं अभी बहुत ही क्लीन फील कर रही हूँ। और अभी सिर्फ सोने जाएंगे, मैं बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ और ये जो इसका रिजल्ट ना मुझे लगता है कि कल ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी एंड सुबह को रिजल्ट दिखाऊँगी। अभी तो रिजल्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा बट मैं सोच रही हूँ कि कल रिजल्ट दिखाऊँ तो अच्छा लगेगा। और फेशियल रात में करो तो सुबह का स्किन जो है बहुत ही निखर के आता है एंड उपटन इज द बेस्ट फॉर स्किन। तो मिलता है कल सुबह, सो अभी के लिए गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, एंड फेस देख के समझ ही रहे होंगे कि कुछ ही देर पहले मैं उठी हूँ एंड ये है अभी फेस का कुछ हालत, क्लियर एंड ग्लोई। मैंने कुछ नहीं यूज़ किया है, आप देख सकते हो स्किन कितना ग्लोइंग दिख रहा है। एंड मैंने सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ किया है बाय द वे, सुबह मैं अभी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, डे टाइम में भी, अगर घर में भी रहती हूँ फिर भी मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है। एंड अभी एक नया दिन की शुरुआत करते हैं। बेड वगैरह हस्बैंड ने सेट कर लिया है एंड मैं अभी थोड़ा सा बैठ के इनके साथ बातें कर रही हूँ। सुबह उठ के इनके साथ थोड़ा सा बातें करना, पूरा दिन का प्लानिंग करना, ये सब करना अच्छा लगता है। एंड मैं पूरा दिन का अगर प्लानिंग होके रहता है ना तो फिर अगर हम लोग कुछ चीज़ मतलब सुबह प्लान करके रखे तो दे पूरा दिन बहुत कैसा जाता है, प्लान वे में जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, मैं ये वो बोलती हूँ दिमाग में वर्ड्स, हाँ मैं बहुत ऐसा नहीं कि हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर बंगाली कुछ भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है एंड नए दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत सारा काम है आज वो निपटाते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।